आज गुरु पूर्णिमा है तो गुरु के साथ ऐसी एक आत्मता है। मम वृते हृदय ते दधामि मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु मम वाचम एक मना जुषस्व बृहस्पतिस्त्वानि युनक्तु मह्यम। अपनी सत्ता रहे ही नहीं, हम गुरु के साथ एकात्म होकर कीजिए, फिर धीरे धीरे उस परम गुरु परमात्मा के साथ एकात्म होकर कीजिए। यह है हमारे ब्रह्ममय ब्रह्मनिष्ठ दिव्य जीवन का क्रम। मैं कह रहा था गुरु पूर्णिमा में प्रथम उस परम गुरु परमात्मा का ध्यान, परमात्मा का दर्शन, परमात्मा की विश्वमय और विश्वातीत स्वरूप में अनुभूति का अभ्यास, और उस परम गुरु परमात्मा का ध्यान, उसका दर्शन, उसका प्रत्यक्ष विश्वमय और विश्वातीत रूप में अनुभव करते हुए अपने सत्कर्म से, दिव्य कर्म से उसकी पूजा करते हुए, स्वधर्म से, स्वकर्म से उसकी पूजा करते हुए अपने जीवन को ही प्रभु की आराधना बना देना, जीवन को ही भगवान के चरणों में अर्पित कर देना, ये उस परम गुरु परमात्मा के लिए हमारे जीवन की ही दक्षिणा हो गई। तो परम गुरु परमात्मा का दर्शन, ध्यान, उसकी पूजा, दक्षिणा का ही ऐसे ही गुरु का दर्शन, गुरु के साथ एकात्मता, गुरु के ज्ञान से, गुरु की संवेदनाओं से, गुरु के सामर्थ्य से युक्त हो करके गुरु के साथ एकात्म होकर के गुरु का प्रियाचरण करते हुए, गुरु में और स्वयं में भेद न करते हुए, जैसे ब्रह्म के साथ एकात्म होते हैं ऐसे गुरु के साथ एकात्म होते हुए, आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणम कृणते गर्भमन्तः तम रात्रि तिस्र उदरे विभर्ति तम जातम दृष्टम अभिशयन्ति देवा, आचार्यो मृत्युर्वरुणः सोम ओषधयः पयः जीमूता संसत्वानः तैरिदं स्वराभृतम्। परीक्ष लोकान् कर्मचितान् ब्रह्मणो निर्वेदम् आयातनास्य कृतः कृतेन तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। परम गुरु परमात्मा की इसी जीवन में पूर्ण अनुभूति हो जाए, उसके लिए एक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु समर्थ गुरु, एक दिव्य गुरु का आश्रय, ऐसे गुरु जो श्रोत्रिय हैं, जो ब्रह्मनिष्ठ हैं, ऐसे गुरु जिनके विचार, वाणी, व्यवहार, आचरण, स्वभाव दिव्य हैं, और उन गुरुओं के आश्रय में हम आगे बढ़ते रहे, गुरु के साथ एकात्म होते हुए स्वयं में उसी गुरु तत्व का, उस ऋषि तत्व का, ब्रह्म तत्व का अनुभव करते हुए सब अशुभ को निरस्त करते हुए शुभ में पूर्ण प्रतिष्ठित होकर के जिए। इस गुरु पूर्णिमा पर इस गुरु तत्व का पूर्णता से अनुभव हम करें।
और ये भाव चेतना हमारी फिर एक दिन भी घटे नहीं, मिटे नहीं, हटे नहीं, छूटे नहीं, टूटे नहीं, ये भाव चेतना हमारी निरंतर बनी रहे। भगवान में, परम गुरु परमात्मा में, ब्रह्म में हमारी अखंड निष्ठा, गुरु तत्व में हमारी अखंड निष्ठा जब होती है तो फिर गुरु अनुकूल आचरण में, शास्त्रानुकूल वेदानुकूल आचरण में, धर्म में, सत्य में, न्याय में हमारी पूर्ण निष्ठा हो जाती है। यह है दिव्य जीवन का मार्ग। गुरु का ध्यान करते करते हम गुरु के ज्ञान से, गुरु के प्रेम से, गुरु के सामर्थ्य से, गुरु के उत्तम गुण कर्म स्वभाव से, गुरु के जैसा जीवन जीने लग जाए, गुरु जैसे हमारे अभ्यास हो जाए, हमारे स्वभाव हो जाए, ऐसे गुरु के साथ एक आत्मता, परम गुरु परमात्मा के साथ एक आत्मता, दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, आपस में लगाएंगे दोनों हाथों की गर्म गर्म ऊर्जा को, आंखें खोल ऐसे प्रतिदिन ईश्वर की आराधना, भगवान की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करते हुए उस परम गुरु परमेश्वर का प्रतिदिन ध्यान करना और क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ समर्थ गुरुओं के आश्रय से स्वयं को गुरुओं जैसा बनाना। तो जब हम भगवान के आश्रय में जीते रहते हैं तो हमारे जीवन में भगवत्ता आने लगती है और हम स्वयं ब्रह्म रूप हो जाते हैं, ब्रह्ममय हो जाते हैं। उस भगवान के साथ एकाकार हो जाते हैं तो भगवान का दर्शन, भगवान का प्रत्यक्ष और भगवान का ध्यान, भगवान की पूजा, उस परम गुरु का दर्शन क्या है, उस परम गुरु का ध्यान क्या है, उस परम गुरु परमेश्वर की पूजा क्या है और उस परम गुरु परमेश्वर के लिए अपने जीवन की आहुतियाँ अर्पित करते हुए, उस परम गुरु के लिए अपने जीवन की दक्षिणा देते हुए हम इस गुरु पूर्णिमा के लिए संकल्प, इस गुरु पूर्णिमा में संकल्पित हों कि यह हमारा जीवन भगवान के लिए है और इस परम तत्व में, इस परम गुरु में निष्ठा के लिए क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ समर्थ गुरुओं का आश्रय और ब्रह्म में हमारी अखंड निष्ठा, गुरु में हमारी अखंड निष्ठा ऐसी हो जाए कि गुरु के सानिध्य से, गुरु के अनुग्रह से, गुरु के आशीषों से हम गुरु जैसे ही बन जाएं। ये विश्व गुरु भारत की परंपरा है, ये भारत की संस्कृति है, ये भारत का स्वभाव है। हम विश्व गुरु भारत बोलते रहते हैं लेकिन इस शब्द का कितना बड़ा सामर्थ्य है, इस शब्द की कितनी बड़ी महिमा है, इस शब्द के पीछे कितनी बड़ी संस्कृति सभ्यता है और इस विश्व गुरु कहने से भारत की संस्कृति सभ्यता और स्वभाव का हमें पता लगता है। तो विश्व गुरु कहने का मतलब है कि भारत उस परम गुरु परमात्मा की आराधना करता है और विश्व गुरु कहने का तात्पर्य यह है
कि ये भारत गुरुओं की आराधना करता आया है। मैंने परम गुरु परमेश्वर के संदर्भ में बात कही, अब मैं श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ समर्थ गुरु तत्व की बात करता हूँ। जैसे हम ब्रह्म के साथ एकात्म होते हैं, ऐसे ही गुरु के साथ हम एकात्म हो जाएं। और मैंने कहा, बार बार संकेत किया, जैसे भौतिक जीवन का अस्तित्व, भौतिक जीवन की उत्पत्ति, भौतिक जीवन का संचालन, भौतिक जीवन का उत्कर्ष, उसका प्रारंभ ही माता पिता के बिना संभव नहीं है, क्योंकि वो माता पिता ही जन्म देते हैं, हमारे अस्तित्व को प्रकट करते हैं। ऐसे ही जन्म लेने के बाद दूसरा जन्म, उसको द्विजत्व कहा है, दूसरा जन्म गुरु के सानिध्य में आकर के होता है। और इस द्विजत्व में हम सब दीक्षित हो जाएं, इसके लिए यह गुरु परंपरा है कि माता पिता से हमें एक जन्म भौतिक जन्म मिल गया, आध्यात्मिक जन्म श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ समर्थ गुरुओं के आश्रय में ही आकर के होता है। और इसलिए भारत में गुरु परंपरा को सर्वाधिक गौरव दिया गया है, और ये गुरु परंपरा ही भारत की संस्कृति, सभ्यता और भारत का स्वभाव है। और गुरु परंपरा, गुरु संस्कृति, गुरु सभ्यता और गुरु का स्वभाव जिस भारत का है, उस गुरु का दर्शन का अर्थ है स्वयं गुरु जैसा हो जाना, गुरु के दिव्य ज्ञान से, गुरु की दिव्य संवेदनाओं, प्रेम करुणा वात्सल्य कृतज्ञता सद्भावों से, गुरु के जैसे सामर्थ्य से, गुरु जैसे उत्तम गुण कर्म स्वभावों से, गुरु जैसी वाणी, गुरु जैसा व्यवहार, गुरु जैसी दृष्टि, गुरु जैसी कृति, गुरु जैसा आचरण, गुरु जैसे अभ्यास, गुरु जैसा हमारा स्वभाव बन जाए, तो समझ लेना गुरु तत्व को हमने आत्मसात कर लिया और गुरु का दर्शन हमें हो गया। बाकी ये जो बाह्य दर्शन है, प्रतीकात्मक जो बाह्य रूप से गुरु की पूजा है, यह तो एक संकेत भर है कि हमारी गुरु निष्ठा अखंड रहे, एक क्षण के लिए भी हमारी गुरु निष्ठा टूटे नहीं, मिटे नहीं, हटे नहीं, छूटे नहीं। गुरु के साथ हम एकात्म होकर के जिए, इससे हम स्वयं गुरु के ही प्रतिरूप हो जाते हैं, हम स्वयं गुरु के ही स्वरूप बन जाते हैं। और गुरु के प्रतिरूप बन करके उस गुरुत्व को, उस देवत्व को, ऋषित्व को अपने भीतर धारण कर लेते हैं। यह देवत्व का मार्ग है, ऋषित्व का मार्ग है। तो ये गुरुओं का मार्ग, ये ऋषियों का मार्ग यही है कि स्वयं ऋषियों के प्रतिरूप और प्रतिनिधि बन जाना। तो आज आप सबके लिए उस परम गुरु परमात्मा के चरणों में यही प्रार्थना कि हम उस परम गुरु की स्तुति, प्रार्थना, उपासना, भक्ति, आराधना, साधना करते हुए उस परम गुरु परमेश्वर को विश्वमय, विश्वातीत रूप में प्रत्यक्ष अनुभव करते हुए अपने सत्कर्मों से, अपने दिव्य कर्मों से, अपने शुभ कर्मों से उस प्रभु की आराधना करते हुए हम भगवान के साथ एकाकार होकर के जिए, और गुरु सत्ता के साथ एकाकार होते हुए हम गुरुओं के प्रतिरूप और ऋषियों के प्रतिरूप होकर के, ऋषियों के सच्चे उत्तराधिकारी होकर के जिए। ये आज गुरु पूर्णिमा पर सबके लिए भगवत चरणों में प्रार्थना।